हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कॉस्ट ऑफ डेब्ट को कैलकुलेट करेंगे कि अगर डेब्ट है या डिवेंचर्स है इनकी कॉस्टिंग को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक पार्ट है और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बाकी चीज़ें हमने प्रायर वीडियो में डिस्कस कर लिया है, तो उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पर हम बेसिकली न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, राइट। तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट मतलब डिवेंचर्स की कॉस्टिंग क्या है, ठीक। अब हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि डिवेंचर्स की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके आते हैं, एक रिडीमेबल डिवेंचर होता है, एक इरिडीमेबल डिवेंचर होता है। इरिडीमेबल या रिडीमेबल का क्या मतलब हो गया कि एक में आपको लास्ट टाइम आपको पूरा पेमेंट भी कर देना, जितना आपने पैसा लिया उतना पूरा पैसा भी वापस करना है प्लस एडिशनल इंटरेस्ट भी वापस करना है। और रिडीमेबल में क्या, इरिडीमेबल में क्या हो जाएगा, आपको सिर्फ इंटरेस्ट देना है, टोटल अमाउंट जो आपने लिया है वो कभी भी रिपे नहीं करना होगा। तो दोनों के लिए कैसे कॉस्टिंग कैलकुलेट करेंगे ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ तो जो पूरा फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला लर्न करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, इसको समझिएगा। देखिए डिवेंचर्स को पाने की कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट मतलब क्या हो गया कि जो पे करना है। अगर आप डिवेंचर इशू करते हैं तो डिवेंचर को पाने के लिए आपको क्या पे करना पड़ता है सोचिए, तो आपको क्या देता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इसका मतलब डिवेंचर को पाने की जो कॉस्ट कैलकुलेट करोगे उसकी बेसिस क्या होगी, इंटरेस्ट होगी, क्योंकि इंटरेस्ट के बेसिस पे ही डिवेंचर इशू किया जाता है। जिस कंपनी का ज़्यादा डिवेंचर का इंटरेस्ट होगा इन्वेस्टर्स वहीं इन्वेस्ट करते हैं। अगर कंपनी ए 15% का डिवेंचर दे रही है और कंपनी बी 70% के रेट से डिवेंचर दे रही है तो लोग 17% वाले डिवेंचर पे ज़्यादा जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे डिवेंचर्स का जो पैसा आप दोगे उसमें हर साल आपको 17% के रेट से इंटरेस्ट मिलेगा, तो जो ज़्यादा जहाँ पे मिलेगा वो वहाँ पे जाएंगे। ये इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ। तो अब कंपनी यही कैलकुलेट करती है कि भाई कितना कॉस्टिंग होगी उसकी, कितना हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ जाएगा, क्या रेट इसका कॉस्ट क्या जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैसे हो गया, पहले हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डिवेंचर या इरिडीमेबल डेब्ट। तो अब ये कैसा हो गया, एक ऐसा डेब्ट हो गया जिसका फुल पेमेंट उन्हें नहीं करना। मान लीजिए मैंने 1 करोड़ रुपए के डिवेंचर इशू किए हैं, तो अगर वो इरिडीमेबल डिवेंचर होंगे तो अब 1 करोड़ रुपए तो मुझे कभी भी वापस नहीं करना है। हाँ, 1 करोड़ डिवेंचर पाने के लिए अगर मैंने 10% का इंटरेस्ट बोला था तो हर साल मुझे 10% का इंटरेस्ट देना होगा। ये इस तरह के नेचर वाले डिवेंचर्स को बोलते हैं इरिडीमेबल डिवेंचर्स। तो अगर ये हैं आपके पास तो उनकी कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा, तो पहली चीज़ यहाँ पे देख लीजिए कि जो डेब्ट होते हैं डिवेंचर होते हैं वो इशू कैसे होते हैं, इशू प्रीमियम पे होते हैं या डिस्काउंट पे होते हैं। अब चूंकि ये इरिडीमेबल हैं तो फिर मैच्योरिटी वैल्यू या रियलाइजेबल वैल्यू तो प्रीमियम और डिस्काउंट पे होगी नहीं, क्योंकि इनको तो कभी वापस करना ही नहीं है, इनको तो सिर्फ इंटरेस्ट देना है। तो जब आप इशू कर रहे थे उस वक्त या तो इसको प्रीमियम पे इशू करेंगे या तो डिस्काउंट पे करेंगे या तो पार पे करेंगे, मतलब 100 रुपये की चीज़ 100 पे इशू करेंगे, 100 रुपये की चीज़ 110 पे करेंगे या 100 रुपये की चीज़ 90 पे करेंगे, यही आपका पार प्रीमियम एंड डिस्काउंट हो गया। तो हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट डिवाइड बाई नेट प्रोसीड और ये 1 माइनस टैक्स रेट है, ठीक है। ये इसको समझिएगा पहले, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट कैसे है, आपको बताना है किसी चीज़ को पाने का खर्चा कितना है, ठीक है। अब यहाँ पे एनपी जो है वो नेट प्रोसीड है। सिंपल अगर लैंग्वेज में बात करें तो मैंने अगर आपसे कहा कि 2000 रुपये अगर मुझे चाहिए, 2000 रुपये लेने के लिए 2000 आप मुझे दे दो और उसके बदले 10 रुपये आप मुझसे हर बार ले लेना, तो कितने रेट से मैं आपको कॉस्ट ले रही हूँ, कितने रेट से मैं आपको पे कर रही हूँ। आप क्या करोगे, भाई 2000 पाने के लिए मुझे 10 रुपये हर बार देने पड़ रहे हैं, तो 10 / 2000 आपने कर दिया। यही चीज़ यहाँ पे होती है। कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेब्ट कैसे निकाला आपने, इनको डिवेंचर्स को क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट डिवाइड बाई नेट प्रोसीड्स, मतलब नेट प्रोसीड्स का क्या मतलब हो गया कि कितना पाओगे आप, है ना। डिवेंचर जब इशू करोगे तो उसके बदले जो कैपिटल इकट्ठा हुई वही आपका नेट प्रोसीड हो गया, इतना पैसा आपको आ गया आपके पास। तो इतना पैसा पाने के लिए आपको कितना रुपया देना है, दैट इज़ योर इंटरेस्ट। नेट प्रोसीड पाने के लिए कितना आपको पे करना है, उससे आपकी क्या निकल गई, कॉस्ट ऑफ डेब्ट। तो इंटरेस्ट डिवाइड बाई नेट प्रोसीड, नेट प्रोसीड क्या है, आपको जो पैसा मिलने वाला है, राइट। अब 1 माइनस टैक्स का क्या मतलब हो गया, देखिए इंटरेस्ट टैक्स एडवांटेज का बेनिफिट होता है। अगर आफ्टर टैक्स फॉर्म क्वेश्चन में कहेगा कि आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करिए तो 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर बिफोर टैक्स कहेगा तो सिंपल फॉर्मूला क्या हो गया, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड। कोई 1 माइनस टैक्स रेट वगैरह का सिस्टम नहीं रहेगा, इंटरेस्ट डिवाइड बाय नेट प्रोसीड, इतना पाने के लिए इतना पे करना है और रेट हमारा निकल के आ गया KD, ठीक। अब ये 1 माइनस टैक्सेस करते क्यों हैं, इसका कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिए। अगर आफ्टर टैक्स पूछता है तो आपको 1 माइनस टैक्स रेट करना पड़ेगा, ये क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हैं तो आपको ये चीज़ पता होगी कि बैलेंस शीट और PL वगैरह जो हम तैयार करते हैं वहाँ पे
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में क्या लिखते हैं, टू इंटरेस्ट, मतलब क्या हो गया, इंटरेस्ट को हम एज एन एक्सपेंस दिखाते हैं, खर्चा, इसको पीएल में दिखाया जाता है। तो अगर आप इंटरेस्ट को ऐसा खर्चा दिखा देंगे तो उससे प्रॉफिट क्या हो जाएगी, प्रॉफिट कम हो जाएगी। अगर प्रॉफिट कम हो जाएगी तो इनकम कम, मतलब इसका मतलब टैक्स भी क्या देना पड़ेगा, कम देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट से आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है ना, क्योंकि इंटरेस्ट अगर दिखाते हैं आप अपने पीएल में तो उसकी वजह से प्रॉफिट कम हो जाती है, और प्रॉफिट कम हो जाती है तो टैक्स कम पड़ता है, राइट। तो इसीलिए इंटरेस्ट या डिवेंचर टैक्स बेनिफिटेड होते हैं, है ना, टैक्स शेल्टर्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये टैक्स एडवांटेज देते हैं आपको, राइट। तो ये इसीलिए कि अगर मान लीजिए कि किसी आपने ये कहा कि 2 लाख पाने के लिए मुझे 10,000 रुपये हर बार देना है और मेरा कॉस्ट ऑफ डेब्ट इतनी आ गई, तो ये कॉस्ट ऑफ डेब्ट तो नॉर्मल आई, लेकिन इस इंटरेस्ट की वजह से आपको टैक्स में तो बेनिफिट मिलता है। तो आप मुझे आफ्टर टैक्स बताइए, टैक्स का बेनिफिट लेने के बाद बताइए क्या कॉस्ट पड़ रही है। तो उस केस में हमें 1- टैक्स रेट करना पड़ता है, राइट। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए सारी चीज़ों का मतलब क्या हो गया नोटेशंस का। तो KD का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल, है ना, KD कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स। I का मतलब होता है एनुअल इंटरेस्ट पेबल, आपको क्या हर साल पे करना है। नेट प्रोसीड्स का मतलब होता है नेट प्रोसीड्स ऑफ डिवेंचर्स, आपको इस डिवेंचर से कितना मिला, नेट प्रोसीड्स आया क्या आपके पास, ठीक है। और उसके बाद T मतलब टैक्स रेट, राइट। अब इसको यहाँ पे एक और चीज़ हम यहाँ पे समझा दें कि नेट प्रोसीड्स निकालने का तरीका, क्योंकि नेट प्रोसीड अगर आएगा, ज़्यादातर क्वेश्चंस में जो गेम प्लान होता है वो नेट प्रोसीड्स के साथ, अगर इरिडीमेबल क्वेश्चन है, इरिडीमेबल डेब्ट के क्वेश्चन है, तो ज़्यादा गेम प्लान नेट प्रोसीड्स के साथ ही करेंगे, उसके अलावा कोई चीज़ होती ही नहीं है इसमें इरिडीमेबल डिवेंचर्स में। तो नेट प्रोसीड्स आपको आना चाहिए। देखिए नेट प्रोसीड्स का सिंपल मीनिंग हो गया आपको मिला क्या। अगर मैंने 100 डिवेंचर इशू किए हैं, ठीक है, कितने डिवेंचर, 100 डिवेंचर इशू किए हैं, और हर डिवेंचर की प्राइस 10 रुपये सिर्फ थी, तो टोटल अमाउंट कितना आना चाहिए, 1,000 रुपये आना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे कि इस डिवेंचर से नेट प्रोसीड मेरे पास पैसा कितना आएगा, 1,000 रुपये आएंगे, राइट। लेकिन अगर मैंने ये कहा कि ये 100 डिवेंचर इशू करें जो मैंने 10 रुपये वाले इशू किए, तो आना तो 1,000 चाहिए था, लेकिन इसको इशू करने के लिए मेरा कुछ खर्चा हो गया। तो खर्चा कैसे हो गया, मैंने कहा कि खर्चे मेरे 100 रुपये के खर्चे हो गए ब्रोकरेज और कमीशन के नाम पे, राइट। अब आप बताइए एक्चुअली नेट प्रोसीड्स आया कितना पैसा, 1,000 रुपये आया क्या, नहीं, 1,000 में से 100 रुपये तो कमीशन या ब्रोकरेज से चले गए थे, तो आया आपके पास कितना, सिर्फ 900 रुपये आए। तो नेट प्रोसीड का मतलब कितने में डिवेंचर इशू हुआ उससे मतलब नहीं है, तुम्हारे पास आए कितने, कट पिट के एग्जैक्ट अमाउंट आया कितना, क्योंकि उसी से हम फिर कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, मिला तो मुझे सिर्फ इतना और पे मुझे इतना करना है, तो कॉस्ट कितनी बन के आई, सिर्फ यही ये फॉर्मूला है और कुछ नहीं है बच्चे, राइट। तो अब यहाँ पे आप देखिए नेट प्रोसीड में अगर आपने प्रीमियम पे इशू किया है, तो प्रीमियम मतलब 100 रुपये की चीज़ आपने 110 में इशू की है, तो बट ऑब्वियस ये बात है कि प्रीमियम का अमाउंट क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, है ना। डिवेंचर्स की पार वैल्यू 100 के डिवेंचर्स थे और 10 रुपये वाले, तो कितना हो गया, 1,000 रुपये हो गया। लेकिन अगर यही मैंने कह दिया कि 100 के डिवेंचर्स को 10 रुपये वाले के साथ मैंने 1 रुपये का और उसमें वो किया, 1 रुपये प्रीमियम पे इशू कर दिया, तो 1,000 तो मिले प्लस 100 मल्टीप्लाई बाई 1, मतलब 100 रुपये और एक्स्ट्रा मिल गए आपको, तो 1,100 रुपये हो गया, समझ रहे हैं। तो नेट प्रोसीड मतलब आया कितना, तो फॉर्मूले के तौर पे भी मैंने कहा, जिन लोगों को फॉर्मूला ज़्यादा क्लैरिटी देता है तो वो समझिए, नेट प्रोसीड का मतलब हो गया डिवेंचर पार वैल्यू प्लस प्रीमियम, प्रीमियम मतलब एडिशनल इतना पैसा आएगा। अगर डिस्काउंट पे हुआ है इशू तो इसका मतलब इतना कम आया आपको, तो लेस हो जाएगा डिस्काउंट। और अगर कोई फ्लोटेशन कॉस्ट, मतलब कोई लीगल एक्सपेंसेस, ब्रोकरेज, कमीशन, ऐसा कुछ उन्होंने मेंशन कर रखा है, तो उसका अमाउंट क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअली आप निकालने क्या वाले हो, आया कितना पैसा, नेट प्रोसीड, राइट। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो सो बेसिकली कॉस्ट ऑफ एडवेंचर का फॉर्मूला क्या हो गया, इतना पैसा पाने के लिए मुझे कितना पे करना पड़ा, तो इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड, राइट। जो अमाउंट आएगा उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1- टैक्स रेट को, तो हमारा आफ्टर टैक्स भी आंसर आ जाएगा, अदरवाइज बिफोर टैक्स का आंसर वही रहेगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, बी लिमिटेड इश्यूज ₹1,00,000, ठीक है, 8% डिवेंचर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो बी लिमिटेड थे, उन्होंने 1,00,000 के डिवेंचर इशू किए 1,00,000 रुपए के, और जो डिवेंचर है वो 8% के डिवेंचर्स थे। 8% डिवेंचर होने का मतलब समझ रहे हैं कि 8% की रेट से इंटरेस्ट पे करना होगा, और प्रीमियम पे इशू किया गया, मतलब 10% के प्रीमियम पे इशू किया गया, 1,00,000 तो पार वैल्यू थी उसकी, 10% के प्रीमियम पे इशू किया गया। द टैक्स रेट एप्लीकेबल टू द कंपनी 60%, कंपनी को कितने टैक्स रेट देना पड़ता है, 60% का टैक्स देना पड़ता है कंपनी को। तो कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल, और ये
आफ्टर टैक्स, क्योंकि यहाँ पे टैक्स रेट दे दिया तो इसका मतलब आपको आफ्टर टैक्स निकालना होगा, ठीक है। अगर बिफोर टैक्स होता तो इसका कोई मतलब ही नहीं होता फिर तो, ठीक है। अब कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए, पहले तो आप देखिए नेट प्रोसीड कितना आया, तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम कर देंगे, कोई और खर्चा तो दिया नहीं है तो पैसा आया कितना होगा, 1 लाख तो पूरे आए होंगे, प्लस जो प्रीमियम पे आपने इशू किया वो प्रीमियम का भी पैसा आया हुआ होगा, तो अमाउंट आपका कितना हो गया, 1 लाख प्लस 1 लाख का 10% 10,000 रुपये हो जाएंगे, और 1,10,000, मतलब आपके पास नेट प्रोसीड पैसा आया कितना, 1 लाख के डिवेंचर्स थे 8% वाले, लेकिन आया आपके पास कितना, 1,10,000। क्यों आया, क्योंकि आपने उसको प्रीमियम पे इशू किया था, इतना एक्स्ट्रा 10,000 के आए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इंटरेस्ट निकालना चाहिए, भाई जाएगा क्या, आया तो 1,10,000, 1,10,000 पाने के लिए आपको हर साल कितना क्या देना है, आपको हर साल 8% डिवेंचर्स देने हैं। याद रखिएगा, जो भी ये इंटरेस्ट निकलता है या डिविडेंड का, जो भी इंटरेस्ट या डिविडेंड जो भी होते हैं, मतलब प्रेफरेंस शेयर के केस में और डिवेंचर दोनों के केस में मैं बता रही हूँ, अगर ये 10% का डिवेंचर, 10% का प्रेफरेंस शेयर ऐसा कुछ लिखा होता है ना, हमेशा उसकी वैल्यू पार पे कैलकुलेट होती है, चाहे आप डिस्काउंट पे इशू करो, चाहे आप प्रीमियम पे इशू करो, वो आपकी प्रॉब्लम है, आपकी हेडेक है, आपका मार्केट सिचुएशन कैसा था आपने उस हिसाब से इशू किया, लेकिन डिवेंचर और डिविडेंड, सॉरी इंटरेस्ट और डिविडेंड हमेशा किस पे कैलकुलेट होंगे, पार वैल्यू पे कैलकुलेट होते हैं। भाई एग्जैक्टली बताओ देना कितना है, इतने के थे तो इतना देना है। अब आप मार्केट में कम पाओ ज़्यादा पाओ उससे हमें मतलब नहीं है, राइट। तो इंटरेस्ट जब डिसाइड होता है तो हमेशा किस पे होगा, पार वैल्यू पे। तो 1 लाख का जो इंटरेस्ट का अमाउंट निकलेगा वो कितने का, कितने पे निकलेगा, 1 लाख पे निकलेगा। तो 1 लाख का 8% कितना हो गया, 8,000। तो आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, टैक्स रेट दिया तो आफ्टर टैक्स करेंगे, तो भाई इसका, इसको इंटरप्रेट करिए, 8,000 पाने के लिए, सॉरी 1,10,000 पाने के लिए आपको हर बार 8,000 रुपये देने पड़े। 1-0.6 क्या है, पहले ये भी समझ लीजिए आप। देखिए 60% का टैक्स है, तो अगर 1 रुपया है तो 1 रुपये में 0.6 तो टैक्स का हो गया, इसका मतलब 0.4 का आपको बस पड़ रहा है, आपको 6 से तो बचत कर दिया ना उसने, 60% की तो बचत करा दिया आपके इंटरेस्ट की वजह से, इसीलिए 1-0.6 हो जाता है। 1 रुपये में इसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं कि 1 रुपया था उसमें से 0.6 आपको बच गया, 0.4 की तो वैल्यू आप पे लगी, राइट। तो 8,000 डिवाइड बाई 1,10,000 मल्टीप्लाई बाई 0.4, राइट। अब आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज़ 2.91%। तो कॉस्ट ऑफ डेट कितना पड़ा, 2.91%। और अगर हमें आपका आफ्टर टैक्स नहीं करना होता तो सिर्फ 8,000 डिवाइड बाई 1,10,000 कर देते, राइट। अब अगर सिर्फ उस तरह से करते तो डेब्ट ज़्यादा आती, पर अगर आपने आफ्टर टैक्स निकाला, क्योंकि टैक्स का एडवांटेज है, तो कॉस्टिंग कम हो जाती, क्योंकि टैक्स में बेनिफिट तो दे ही रहा है, तो इसीलिए आफ्टर टैक्स केस में आपका ये क्या हो जाएगा, कम आएगा, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कम आएगी, ठीक है। आप दोनों कैलकुलेट करके देखिएगा, आपको क्लियर होगा, राइट। अब हम इसी तरह बात करते हैं रिड्यूमेबल डेब्ट की। रिड्यूमेबल डेब्ट का क्या मतलब हुआ, कि रिड्यूमेबल वैल्यू, आपको पूरा अमाउंट भी पे करना है, है ना। 1 लाख रुपये अगर आपके डिवेंचर्स लिए थे तो 1 लाख रुपये 10% वाले डिवेंचर, तो हर साल तो 10% का इंटरेस्ट देंगे, लेकिन यहाँ पे आपको दिया होगा कि ये डिवेंचर आपको 15 साल के लिए ही मिले हैं, इसका मतलब 15 साल के बाद आपको 1 लाख रुपये भी वापस कर देने पड़ेंगे, तो इसे बोलते हैं रिड्यूमेबल डिवेंचर। यहाँ इंटरेस्ट भी जाता है और 15 साल के बाद जितने टाइम पीरियड का वो डिवेंचर इशू हुआ होगा उतने टाइम के पीरियड वो फुल अमाउंट भी जाता है, ठीक है। तो अब अगर ऐसे सिचुएशन हो तो कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो गया, इंटरेस्ट प्लस RV-NP डिवाइड बाई एंड डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई RV+NP डिवाइड बाई 2। देखिए फॉर्मूला बड़ा लग रहा है कुछ भी नहीं, कैसे कुछ भी नहीं है, ये देखिए आपके पास से क्या क्या जाएगा, मैंने क्या कहा, आपने क्या किया, इतना पाने के लिए कितना पे करना है, यही तो आपका है, सिंपल सा लॉजिक यही है। तो आपको पाएंगे क्या, ये जो नीचे है आपका, और जाएगा क्या आपके पास जो ऊपर आपको दिख रहा है, तो एक तो इंटरेस्ट आपका हर बार जाना है, इंटरेस्ट आपने लिख दिया, ठीक है, इंटरेस्ट जाएगा जाएगा, प्लस और क्या जाएगा, इंटरेस्ट के साथ आपका क्या जाएगा, आपकी रियलाइजेबल वैल्यू का भी, मतलब क्योंकि आपका अगर 10 साल 15 साल का डिवेंचर है तो आपको फुल अमाउंट भी पेमेंट करना है, तो उसको कैसे निकाला गया, उसके लिए निकालने के लिए कहा गया आरवी, मतलब रियलाइजेबल वैल्यू या रिड्यूमेबल वैल्यू या मैच्योरिटी वैल्यू, आप कुछ भी समझिए। तो मान लीजिए कि 1 लाख के डिवेंचर्स थे, 10 साल के बाद इनको वापस करना है, तो 10 साल के बाद अगर 1 लाख के डिवेंचर 1 ही लाख में गए तो आपके रियलाइजेबल वैल्यू क्या होगी, 1 लाख यहाँ हो जाएगी, क्योंकि 10 साल बाद आपको कितना पेमेंट करना है, 1 लाख पेमेंट करना है, माइनस नेट प्रोसीड, भाई पाए थे उसका इन्वेस्टमेंट वगैरह किए तो नेट प्रोसीड जो मिला था उसको माइनस कर दो, डिवाइडेड बाई एन, कितने नंबर ऑफ टाइम के लिए तुमने इस पैसे का इस्तेमाल किया था, डिवाइडेड बाई एन, 10 साल 15 साल कितने टाइम पीरियड के लिए पैसा था वो कर दिया, तो आपके पास से क्या क्या गया, आपके पास से इंटरेस्ट गया प्लस नेट अमाउंट गया, 10 साल का तक का या 15 साल का जो भी वैल्यू, उतना नेट और अमाउंट जाएगा आपसे, है ना। अगर मैं बोलूँ कि 1 लाख के डिवेंचर 10% के इंटरेस्ट के थे और 10 साल बाद इसको रिडीम करना है, तो सीधा सीधा अगर बात कहूँ तो क्या ऐसा थोड़ी ना कि 1 लाख रुपया जो आपको आज मिला है और 10 साल बाद फिर 1 लाख रुपया पेमेंट करना है तो पूरा का पूरा पेमेंट हो गया, नहीं, ये थोड़ा कैलकुलेशन गलत हो गया, क्योंकि TVM कैलकुलेट नहीं हुई, बाकी चीज़ें कैलकुलेट नहीं हुई, तो बेसिकली ऐसे नहीं होता,
मिलता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे ये देखते हैं कि भाई मिला इतना और देना तुम्हें इतना है, तो नेट देखो कितना देना पड़ा आपको एक्स्ट्रा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैलकुलेशन होती है। तो इंटरेस्ट आपके पास से जाएगा प्लस नेट अमाउंट आपके पास से जाएगा, आपको एंड में कितना पेमेंट करना है और आपको इससे मिला कितना था नेट अमाउंट, और डिवाइडेड बाई जितने साल तक के लिए तुमने उस पैसे का रखा था उसको डिवाइड करिए, इतना आपके पास से चला जाएगा। और आपने ऑन एन एवरेज कितने दिन तक ये पैसा इस्तेमाल किया, तो एवरेज यहाँ पे कर देंगे क्योंकि कभी ज़्यादा कभी कम, तो इसलिए एवरेज कर देते हैं। तो रियलाइजेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड दोनों को प्लस करके 2 से कर दिया, तो ऑन एन एवरेज इतना पैसा पाने के लिए आपको इतनी चीजें देनी पड़ी, इंटरेस्ट देना पड़ा और नेट अमाउंट देना पड़ा, ये अमाउंट आपको देना पड़ा, तो ये आपका रिडीमेबल डेट निकल गया। तो इंटरेस्ट प्लस नेट अमाउंट कैसे निकल गया भाई, उसको आप टाइम फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए निकालोगे कि रिडीमेबल वैल्यू इतनी थी, 10 साल बाद इतना पेमेंट करना था, हमको मिला था इतना डिवाइडेड बाई 10, हमको इतना पैसा नेट और देना पड़ा, तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया, राइट। तो यहाँ पे मैंने नोटेशन का बता दिया आपका कि क्या क्या मतलब होता है, ठीक है। अगर हम बोलें कि टैक्स आफ्टर टैक्स निकालना होता तो इसी इंटरेस्ट में 1 माइनस टैक्स कर देंगे तो आफ्टर टैक्स भी निकल जाता है, या फिर सिंपली कैलकुलेट कर लीजिए इसको और जो रेट आएगा उसमें मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस टैक्स रेट कर दीजिए, आपका आफ्टर टैक्स का आंसर आ जाता है। एक क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन है अ कंपनी इशूज रुपीज 20 लाख 10% रिडीमेबल डिवेंचर एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। तो मतलब क्या निकला कि कंपनी थी जिसने 20 लाख रुपए के डिवेंचर इशू किए हैं 10% वाले, और कैसे डिवेंचर थे, रिडीमेबल। तो यही हमें पता चल गया कि ये रिडीमेबल डिवेंचर है, इसका मतलब सेकंड फॉर्मूला लग रहा है, राइट। तो 10%, अब ये क्या हुआ, 10% इसका इंटरेस्ट रेट हुआ, तो 20 लाख के डिवेंचर इशू किए गए 10% के इंटरेस्ट रेट पे, और कितने कैसे एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹5%। तो 20 लाख के डिवेंचर जो इशू किए गए थे 5% के डिस्काउंट पे इशू किए गए, राइट। यहाँ से इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आगे कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन अमाउंट ₹50,000, फ्लोटेशन मतलब इसको पाने वगैरह में जो खर्चे हुए थे वो ₹50,000 तक के खर्चे हो गए थे। फिर द डिवेंचर आर रिडीमेबल आफ्टर 8 ईयर्स, तो 8 साल बाद ये डिवेंचर रिडीमेबल है, इसका मतलब 8 साल बाद इस डिवेंचर को रिडीम करके इसकी वैल्यू पे अप करनी होगी 8 ईयर्स के बाद। तो कैलकुलेट बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स और बिफोर टैक्स दोनों कैलकुलेट करिए, और कॉस्ट ऑफ डेब्ट एज्यूमिंग अ टैक्स रेट ऑफ ऑफ 55%, तो 55% का टैक्स रेट एज्यूम करते हुए आप इनका बिफोर एंड आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करिए। क्वेश्चन हमारे पास यही है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हम एक ही क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर पाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर क्वेश्चन में चेंजेस करेंगे और एडिशन कुछ देंगे तो आपको मेच्योरिटी वैल्यू के साथ भी वैल्यू दे देंगे कि 8 साल बाद जो आपको रिडीमेबल वैल्यू होगी उसमें भी बता देंगे कि ये इतने प्रीमियम पे होगी या इतने डिस्काउंट पे होगी, वो वहाँ पे भी आपको अमाउंट बता देंगे, तो एक वेरिएशन वहाँ आपको आएगा, अदरवाइज कोई चेंजेस नहीं होंगे। यही सब डेटा के साथ सारे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, हमें ये पता करना है कि इस डिवेंचर को पाने का खर्चा कितना है, कॉस्ट कितनी आ रही है, ठीक है। तो इस डिवेंचर से मुझे कितने पैसे मिलने वाले हैं, पहले तो मुझे ये पता होना होगा। तो नेट प्रोसीड पहले कैलकुलेट करनी होगी, तो नेट प्रोसीड देखिए 20 लाख रुपए तो ये आएंगे, ठीक है, यही थे हमारे 20 लाख के डिवेंचर, तो क्या ये पूरे आ रहे हैं, नहीं, ये 20 लाख जो हमें पूरे के पूरे आने थे वो 5% के डिस्काउंट पे आए हैं। तो 20 लाख में से 5% का डिस्काउंट ऑफ कर दीजिए, 5% ऑफ 20 लाख रुपीस वो माइनस कर दीजिए, फिर वो तो आपको नहीं मिलने वाला। द कॉस्ट ऑफ रोटेशन अमाउंट 50,000 वो भी नहीं आएंगे, मतलब खर्चा हो गया। तो अगर देखा जाए तो आपको पैसे कितने आए, 20 लाख माइनस 1 लाख माइनस 50,000 इज इक्वल टू 18,50,000। तो 20 लाख के जो डिवेंचर आपने इशू किए थे 5% के डिस्काउंट पे और 50,000 का फ्लोटेशन अमाउंट दिया था, उससे पूरे पैसे आपके पास आए कितने, 18,50,000। तो मिले कितने, 18,50,000 आपको आए आपके पास, ठीक। अब आपको देखना क्या है कि इस 18,50,000 को पाने के लिए आपको कितना पे करना पड़ा, क्या क्या पे कर। तो पहली चीज़ क्या पे करनी होगी, 8 साल बाद इसकी पूरी अमाउंट हमें पे करनी होगी। तो रिडीमेबल वैल्यू जो पूरी की पूरी 20 लाख का डिवेंचर था, तो 20 लाख हमको पूरा पे करना पड़ेगा, कब, 8 साल के बाद करना पड़ेगा। तो एक तो रिडीमेबल वैल्यू हो गई हमारी 20 लाख जो हमारे पास से जाएगी, और क्या जाएगा हमारे पास से, इंटरेस्ट जाने वाला है। तो इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा, 10% बोला गया है, तो 10% हम किस पे निकालेंगे, 20 लाख से पार पे निकालते हैं, पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। आप डिस्काउंट पे इशू करो, प्रीमियम पे इशू करो, कुछ भी इशू करो, पर इंटरेस्ट या डिविडेंड का जो होगा वो हमेशा पार पे निकलेगा। तो 10% ऑफ 20 लाख रुपीज़, तो 2 लाख रुपये तो इंटरेस्ट के जाएंगे, ठीक। एक ये 20 लाख रुपये जाने वाला है जो 8 साल बाद जाएगा, अभी नहीं जा रहा, 8 साल बाद जाएगा, और इंटरेस्ट जो हर साल जाएगा वो कितना जाएगा, 2 लाख रुपये जाएंगे, ठीक है। और कितने साल की बात हो रही है, एन
एट ईयर्स की बात हो रही है। तो अब आपके सामने पूरी फिगर है, आपको पता है कि आपको इस डिवेंचर से पैसे मिले कितने, आपको पता है कि आपके पास से जाएंगे क्या क्या, ठीक है। अब एनुअल बेसिस पे आप इसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हो, राइट। तो कैसे निकालेंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो हम देखेंगे कि हमारे पास से क्या क्या जा रहा है। तो हमारे पास से 200,000 रुपये जाएंगे, प्लस और क्या जाएगा, 20 लाख माइनस 18,50,000 डिवाइडेड बाई 8, और सालाना नेट और क्या जाएगा, नेट फिगर एक हमारी जाएगी ना, वो क्या जा रही है। तो 200,000 तो हमारे पास जाएंगे हर साल, और जो 20 लाख 8वें साल, 8th ईयर हमको देना है, और जिससे हमें इस समय पाए थे 18,50,000। तो अगर देखा जाए कि इन 8 सालों में ऑलमोस्ट में से हर दिन कितना गया, क्योंकि आपको जो 8 साल बाद 20 लाख देने हैं वो आप कैसे करोगे, वो थोड़ा थोड़ा करके ही आप उसके लिए कैलकुलेट करते हो ना। तो उस हिसाब से ये माना जाता है कि नेट करके आप एनुअल देख लो इसका फिगर, क्योंकि आप हर चीज़ एनुअली निकाल रहे हो। तो इसी वजह से इसको डिवाइड बाय 8 किया जाता है, जिससे आपको 8 साल की चीज़ हर साल कितनी कितनी जा रही है वो आपको पता चल सके। तो 20 लाख माइनस 18,50,000 डिवाइड बाई 8 आपने कर दिया, ठीक, ये हमारे पास से जाएगा 200,000 रुपये वो जाएंगे, और ये जो हमारा 18,750 समथिंग फिगर आएगी, तो 18,750 ये हमारे हमसे हर साल जाएंगे, 2 लाख इंटरेस्ट के नाम पे, और 18,750 किस नाम पे जाएंगे, जो इसकी रिडीमेबल वैल्यू है नेट, उसके बेसिस पे जाएंगे। अब ये सब क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमें मिला कितना, तो ऑन एन एवरेज देखा जाए हमें मिला कितना, 20 लाख जो हमें, जो हम 8वें साल दे रहे हैं, वो भी तो हमारा अभी तक इस्तेमाल हो रहा था, 18,500 का एग्जैक्ट जो आया था उसको ऑन एन एवरेज कर लीजिए। तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो ये हमारी फिगर जो है वो हमें मिली, तो इतना पाने के लिए हमने इतना पे किया, तो 2,18,750 हम पे कर रहे हैं 19,25,000 पाने के लिए, राइट। ये फिगर पाने के लिए हमने ये अमाउंट पे ऑफ किया है, ठीक है। अब तो आपका जो कॉस्ट निकल के आई वो कितनी आई, 11.36, इसका मतलब 11.36 आपकी कॉस्ट ऑफ डेप्ट है इस कंडीशन पे, ठीक है। ये क्या निकला आपका, बिफोर टैक्स निकला। बिफोर टैक्स क्यों, क्योंकि हमने कोई टैक्स की एडवांटेज नहीं है, नॉर्मल सिनेरियो की हमने बात की कि भाई इतना पैसा आया, इतना जाएगा, इतना हमने इंटरेस्ट पे कर दिया, इतना हर सालाना हमको रिन्यूअल के नाम पे देने पड़ेंगे, हमें ऑन एन एवरेज इतना पैसा हमने इस्तेमाल किया, यूज़ किया, तो देखा जाए तो मेरी कॉस्टिंग कितनी की पड़ गई, 11.36। तो जो लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा था कि बिफोर टैक्स ज़्यादा आता है, आफ्टर टैक्स कम आता है, क्यों, क्योंकि आफ्टर टैक्स में हम टैक्स एडवांटेज ले लेते हैं, इंटरेस्ट का क्या ले लेंगे, एडवांटेज ले लेंगे, तो इसकी वजह से मेरा जो आपका कॉस्ट ऑफ डेब्ट है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कैसे निकालेंगे आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कैसे निकालते हैं, तो आपका जो कॉस्ट ऑफ डेब्ट आया हुआ है मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1 माइनस टैक्स रेट से। तो टैक्स जो 55% है, 55% का क्या मतलब, 100 में 55 है ना, इसको 1 रुपीज में करेंगे तो 1 रुपीज में क्या हो जाएगा, 0.55 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0.55 कर देंगे, तो आपकी कॉस्ट ऑफ डेब्ट आई 11.36, और एडवांटेज आप 55% का ले लेंगे, इसका मतलब अब 11.36 कितना रह जाएगा आपका, 1 माइनस 0.55 लेस करेंगे जो वैल्यू आएगी उतनी ही रह जाएगी, तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ गया 5.11 है। तो एक्चुअली आपका जो कॉस्ट ऑफ डेब्ट पड़ा वो कितना का पड़ा, 5.11% का पड़ा, और नॉर्मली बिना टैक्स एडवांटेज लेते हुए क्या कॉस्टिंग थी, 11.36 की थी। सो ये हमारा कॉस्ट ऑफ डेब्ट क्लियर हुआ, रिडीमेबल और एडिमेबल दोनों ही सिनेरियो के लिए। क्वेश्चन सॉल्व करते हुए सबसे बेसिक चीज़ जो याद रखिए कि आपको चाहिए क्या क्या, है ना, आपको क्या क्या चाहिए पहले वो क्वेश्चन में से ढूंढ लीजिए, वो सारी चीज़ें ढूंढने के बाद आप बस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। और कॉन्सेप्ट याद रखिए, कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा है कॉस्ट निकालने का कि कुछ पाने के लिए हमें कितना पे करना पड़ रहा है, तो जितना अमाउंट हमारे पास आ रहा है और जितना हमारे पास जा रहा है उसी को हमें यहाँ पे रखना है और कुछ नहीं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।